हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में SBI PO का जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है उसको लेके चर्चा करेंगे कि इसके जो भी ये नोटिफिकेशन आने वाला है तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एज के क्राइटेरियाज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने की उम्मीद है, तो वो पूरा इसमें डिस्कस करेंगे ताकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको इस साल ही एग्जाम देना है उनको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, SBI PO 2019 का नोटिफिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक इस साल मार्च में ही आ जाना चाहिए। तो इसके लिए जो क्या कुछ रहने वाला है, किस टाइप का क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या इसमें आपके प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्राइटेरियाज हैं आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन के, एज के, तो इसके लिए अपने 2018 में क्या कुछ था वो डिस्कस कर लेते हैं। और 2018 और 2019 में कोई बहुत बड़े चेंजेस, कोई छोटा मोटा कोई चेंज होगा तो उसी वक्त एक छोटा वीडियो डाल के अपडेट दे देंगे कि ये चेंज हुआ है, बाकी सब चीजें जो 18 में थी वो। तो 2018 में SBI PO 2018 के लिए जो एग्जाम है उसमें तीन टीयर की एग्जाम हुई। सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव प्री एग्जाम हुई, देन जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए मेंस के लिए, और इसमें जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उससे 10 टाइम्स, करीब करीब 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज इन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट, 10 टाइम्स। अब 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, जैसे 2000 पिछले साल थी तो 2000 के 10 टाइम्स हो गए 20,000। 20,000 में से जिस जिसका कैटेगरी वाइज, जो जनरल कैटेगरी का जितना शेयर था, फिर ओबीसी का जितना था, एससी का, वो अकॉर्डिंगली एक जो मार्क्स बच्चों ने सिक्योर किए। तो अगर आप मानो कि 1000 बच्चे अनरिजर्व में से सिलेक्ट कर रहे हैं 1000 मेंस के लिए, तो आप क्या करेंगे, जैसे जो भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे जो मार्क्स है, जहां आपके 1000 हो जाएंगे, जैसे मैक्सिमम मार्क्स आपके किसी बच्चे ने मान लो इसमें 100 में से किसी ने 90 आया, किसी के 80 आए, 70 आए, 60 आए, इस तरीके से जहां ये 100 किस 1000 की संख्या खत्म होगी वहां लाइन खिंच जाएगी, उससे ऊपर ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे मेंस के। तो ये 10 टाइम्स जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनका इन्होंने इसके लिए सिलेक्शन किया। उसके बाद जो मेन एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, इसका पैटर्न क्या रहा वो अपने आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर जो बच्चे इनमें करीब करीब 3 टाइम्स बच्चों को जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जितनी कैटेगरी की जितनी थी उससे 3 गुना के करीब इन्होंने सेलेक्ट किए। थर्ड स्टेज के लिए जिसमें ग्रुप पे एक्सरसाइज प्लस इंटरव्यू, जीडी प्लस इंटरव्यू था जिसमें, उसके लिए इन्होंने 3 गुना सेलेक्ट किए और उसमें से फिर 1/3 अल्टीमेटली सेलेक्ट। तो ये तो रहा तरीका, तो ये मान के चलिए कि इसमें कोई बड़ा चेंज होने की संभावना नहीं। देन दूसरी बड़ी चीज होती है कि एज एंड क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्रिटेरियाज रहते हैं ताकि जो बच्चे नए अपियर होना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा ये पता चले कि भी वो उसमें आ भी रहे नहीं आ रहे। तो एज इसके लिए थी 21 से एज 21 to 30 ईयर्स, 21 मिनिमम थी और 30 साल मैक्सिमम थी। जो कैटेगरी के लिए छूट होती है, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल की है, ओबीसी के लिए 3 साल की है, डिसेबल के लिए और ज्यादा है, एक्स सर्विस पेन के लिए भी काफी ज्यादा है, तो वो रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की दूसरी सर्विसेज में है वो यहां भी होते हैं। बट 21 से लेके 30 साल, और जो इन्होंने बेस डेट रखी थी वो रखी थी 1 अप्रैल 2018, मतलब जो काउंटिंग हो रही थी वो उसको बेस मान के चल रहे थे 1 अप्रैल 2018। देन दूसरा बड़ा जो राइडर होता है जो वो है क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएशन की डिग्री कब होनी चाहिए, तो इसके लिए जो बच्चे इस साल फाइनल इसमें है, जो डिग्री कर रहे हैं इसी साल, उनके लिए ये ठीक है कि वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उनको जब अगर वो इंटरव्यू तक पहुंचे तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनको शो करना पड़ेगा अपना जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट होगी वो, और वो पास होनी चाहिए एग्जाम, आपकी एग्जाम 31 अगस्त से पहले पास होनी चाहिए। 31/8/18 पिछली बार रखा था इन्होंने, तो
31 अगस्त से पहले की पास्ट एग्जाम होनी चाहिए वो। तो जो भी इस साल एग्जाम्स हो रही है आई थिंक 31 अगस्त से पहले, तो वो सब आपके रिजल्ट्स रिजल्ट सब आ ही जाते हैं, मतलब आपका रिजल्ट 31 अगस्त से पहले आया हुआ होना चाहिए। तो जो बच्चे इस साल फाइनल डिग्री के फाइनल एग्जाम में अपियर होंगे वो भी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, ये एक बड़ी चीज है। देन जो बच्चे नए हैं जो पुराने हैं उनको तो पता है इसमें क्या कुछ मिलता है, तो वो थोड़ा सा उनमें क्यूरियोसिटी रहती है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं तो आपको एसबीआई एज ए एसबीआई पीओ सिलेक्शन दिया जाएगा, और एसबीआई पीओ में आपका जो सीटीसी है कोस्ट टू कंपनी जिसको बोलते हैं वो 8.2 लैक्स to 13.0 लैक्स पर एनम सालाना, साल के 8,20,000 से 13,08,000 कोस्ट टू कंपनी, इसमें जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें इन्होंने ये दिया था। तो ये लोकेशन पे डिपेंड करेगा, जैसे 13.08 है, ये 13.08 है आपका मेट्रो सिटीज के लिए, और 8.2 जो मिनिमम जहां आपको रूरल कहीं पोस्टिंग मिलेगी उसके लिए ये कोस्ट टू कंपनी 8.2 लैक्स है। इसका अगर स्केल की बात करें तो ये 23,700 की स्केल है, बेसिक पे 23,700 है, लेकिन एसबीआई में जो सिलेक्शन होता है तो उसको 4 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। आईबीपीएस पीओ जो बनेगा वो 23,700 होगी, लेकिन इसको 4 इंक्रीमेंट एडवांस देंगे, और एडवांस देके इसको 27,620 की बेसिक पे फिक्स करते हैं। उसके बाद आपके डीए है, एचआरए है, लीज रेंटल है, सीसीए है, मेडिकल है, और दूसरे काफी तरह के अलाउंसेस कोस्ट टू कंपनी अगर आप देखें तो, ऊपर में आपको बता चुका हूं। साथ ही एक चीज और आप नोट कर ले, पहले नहीं हुआ करता था, पिछले साल से इन्होंने क्या 2 साल का एक बॉन्ड भी भरवाया, 2 लाख का बॉन्ड था, 2 लाख का बॉन्ड भी भरवाया कि मिनिमम 3 साल आपको इसके अंदर रहना पड़ेगा, 3 साल की सर्विस आप इसमें नहीं करते हैं, कम से 3 साल से पहले अगर रिजाइन करते हैं तो ये 2 लाख का बॉन्ड है, इससे आपसे कुछ वो पैसे वैसे काट लेंगे और रिकवरी भी कर लेंगे। तो इसमें जो बॉन्ड पिछले साल से शुरू हुआ, इन सालों में देखा गया कि काफी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली फिर वो और दूसरे सर्विसेज में भी आई थिंक सेलेक्ट हो जाते होंगे और छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके लिए दूसरे बैंक्स ने पहले शुरू कर लिया था, एसबीआई ने भी शुरू कर लिया, 2 लाख का बॉन्ड था और 3 साल मिनिमम उसमें रखा, अगर 3 साल आपने सर्विस कर ली उसके बाद आप जाते हैं तो उसमें कोई ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं था। प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल का इसमें एसबीआई। तो जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर आपने देखें कि प्री के एग्जाम का पैटर्न क्या था, तो प्री में 3 आपके सब्जेक्ट थे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन थे, सभी ऑब्जेक्टिव, ये पूरा मल्टी चॉइस क्वेश्चन थे, एमसीक्यू, और ऑनलाइन एग्जाम हुई, और इसमें सभी क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के थे, और अगर किसी ने रॉन्ग कर दिया तो उसमें पेनल्टी थी रॉन्ग के लिए 1/4, मतलब अगर एक नंबर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1/4 मार्क्स आपके माइनस हो। हाँ, अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया क्वेश्चन को तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके पेनल्टी में नहीं जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, सभी के मतलब 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स थे, और एक चेंज पिछले साल से जो हुआ वो सेक्शनल टाइम का। पहले ये क्या कंसोलिडेट 1 घंटे का टाइम देते थे, इस साल पिछले साल से इन्होंने उसको सेक्शनल कर दिया, तो इसमें तो अब की बार भी आप चेंज की उम्मीद नहीं करेंगे, सेक्शनल ही रहने वाला है। 20-20 मिनट दिए सभी को, पहले क्या करते थे बच्चे की क्वांट और रीजनिंग को इंग्लिश वाला टाइम भी दे देते थे, और इंग्लिश में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए कुछ टाइम इसको देते थे। इस साल से सेक्शनल कट ऑफ तो इन्होंने खत्म कर दी और सेक्शनल टाइम कर दिया, तो अब 20, तो इस पिछले साल भी और आने वाला जो ये साल है इस साल में भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस खूब हो गई है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में अगर आप प्री लेवल पे देखें तो 20-20 मिनट में करने लायक मसाला आपके पास हमेशा होता है, आपके पास करने के लिए क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम शॉर्ट पड़ता है। सो इंग्लिश में आपके पास टाइम शॉर्ट नहीं रहता है, तो जिनकी भी इंग्लिश थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्ग है तो प्री में उनके लिए बहुत बड़ा एज है। तो जो बच्चे इस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं जितनी वैकेंसी उससे 10 गुना को ये मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट का वही है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चलते हैं, जहां भी कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट है वो जहां आ गई वहीं वो उससे ऊपर ऊपर के सेलेक्ट हो जाता है। देन इसके बाद हुई मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम में क्या है आपके, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, पहले एक ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन है, पूरा ऑब्जेक्टिव है, वही मल्टी चॉइस क्वेश्चन से। इसमें क्या दिया है,
रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स और मीडियम में इसका इंग्लिश एंड हिंदी, प्री में भी आपके इंग्लिश एंड हिंदी है मीडियम, इंग्लिश का जो पेपर है उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, इसमें भी इंग्लिश एंड हिंदी का ऑप्शन है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें सिर्फ इंग्लिश है, और एक जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पांच ये चार ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव जो है इसके अंदर आपका ये लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज का है, इसमें एक लेटर आता है, एक ऐसे आता है, चॉइस भी आती है इसके अंदर आपको, और उनमें से ये दो क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के टोटल है, ये इंग्लिश ही इनका मीडियम रहेगा, और ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऊपर के जो 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम है, लेकिन टाइम इसमें भी सेक्शनल है, और इसके लिए आधे घंटे का टाइम आपका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। तो रीजनिंग और कंप्यूटर के साथ आपके जनरल ओब्लिक इकोनॉमिक ओब्लिक बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें मैं आपको बता दूं ज्यादा जो इस साल पिछले साल का जो ट्रेंड रहा है इस साल भी वो ही रहेगा, ज्यादा करंट अफेयर्स पे मेजर फोकस है, तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो करंट अफेयर्स को ज्यादा इस पे वेट दें, सबसे ज्यादा उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें आपके पास टाइम भी शॉर्ट नहीं पड़ता। रीजनिंग एंड कंप्यूटर का जो था ट्रेंड उसमें कंप्यूटर से ना के बराबर क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, और तीसरा चौथा जो आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो क्वांट का ही पोर्शन है उसमें 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का था 45 मिनट। तो इंग्लिश और जीए में आपके पास यहां टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं है, और रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तो इनमें भी मेन में हालांकि थोड़ा टाइम शॉर्ट रहता है, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन ही उतने ही आते हैं जितना आपके पास टाइम होता है, अगर जितना टाइम दिया हुआ है उतने में करने लायक अगर क्वेश्चन आपके पास है तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे ये 3 घंटे खत्म होते हैं दूसरा पेपर ओपन हो जाता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एक लेटर और एक ऐसे आपको लिखना है, आधे घंटे का उसको टाइम अलॉट। देन इस पूरे में से 250 में से फिर मेरिट बनती है, आउट ऑफ 250 आपकी मेरिट बनेगी, और उसके लिए करीब करीब 3 गुना बच्चे नेक्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू प्लस जीडी, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज या जीडी आप कुछ भी बोल रहे हैं उसमें डिस्कशन ये उसके लिए उस राउंड के लिए आपको आगे सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें इंटरव्यू और जीडी है ये 50 मार्क्स की है टोटल, 50 मार्क्स है जिसमें इंटरव्यू 30 मार्क्स की है, और ये ग्रुप एक्सरसाइज या ग्रुप डिस्कशन है ये 20 मार्क्स का है। तो इस तरीके से फिर जो फाइनल जो आपका जो मेरिट बनती है उसमें आपकी मेन एग्जाम प्लस इस जो मतलब सेकेंड और थर्ड टीयर जो है, मतलब मेन एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव प्लस जीडीआर इंटरव्यू, इन सब के मार्क्स जुड़ते हैं, और इनको 75:25 में आउट ऑफ 100 बना लेते हैं। जैसे जो 250 में से जो आपके मार्क्स आए उस जो मार्क्स मान लो आपके 100 मार्क्स आए तो 100 को आप 75/250 करके देख लीजिए, जो बढ़ेंगे 25 75 25 10 ये 30 मार्क्स तो ये बन गए आपके, और 25 जैसे आपके 50 में से जीडीआर इंटरव्यू में आए 50 में से 40 मार्क्स तो 40 के आप हाफ कर लीजिए 20, तो 30 और 20 जोड़ के 50 मार्क्स आपके आउट ऑफ 100 बन जाएंगे। इस हिसाब से फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी बच्चे टॉप वाले जो जितने हैं वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इसमें पिछले साल के कट ऑफ भी देखना चाहो तो प्री का जो कट ऑफ था वो इस तरीके से था, मेन का कट ऑफ आउट ऑफ 250 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव ये था, और अल्टीमेटली एसबीआई पीओ फाइनल कट ऑफ था 100 में से, वो भी आपके साथ शेयर किया है, और इसमें इंटरव्यू राउंड में भी एक सेक्शनल कट ऑफ है जो जिसमें आपको इंटरव्यू में कितने 40% आपके अनरिजर्व के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग रखा है, और 35% जितनी भी कैटेगरी है उनमें सभी के लिए रखा हुआ है। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और भी किसी टाइप की क्वारी इससे रिलेटेड आपके पास है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो भी आपसे रिजल्ट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।